अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल स्टेट से मैं हूं मियां वकास। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333417716। दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए व्यूअर्स, 0322422063। व्यूअर्स, इस वक्त मैं जिना सेक्टर एलडीए सिटी फेज़ वन में खड़ा हूं और आज आपको अगस्त 2021 की लेटेस्ट जो ड्रोन वीडियो अपडेट है वो आपको देंगे। साइट पे ओवरऑल जिस जगह पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सारा एरिया आज आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सा एरिया अभी भी रहता है जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई या जहाँ पे काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है और ऊपर फाइनल जो ना वो इसकी कारपेटिंग होनी है। तो व्यूअर्स, इसमें इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से प्राइसेस को भी डिस्कस करेंगे और फर्दर जो आने वाला है नया थर्ड बैलेट है उसके हवाले से भी जो भी हमारे पास अभी अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह वीडियो के दौरान मैं आपको साथ साथ गाइड भी करूंगा। आए चलते हैं अपनी ड्रोन वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, ये जिना सेक्टर में 200 फीट रोड का व्यू आपको दिखाया, चनाब रोड का। ये सामने सी ब्लॉक है और ये कनाल रोड है टूवर्ड्स फिरोजपुर रोड और ये इकबाल सेक्टर का एरिया है सारा। और ये सामने चनाब रोड है जो कि जना इसमें इकबाल सेक्टर में आता है। ये सारा इकबाल सेक्टर का एरिया आपको दिखा रहे हैं ऊपर से और ये कनाल रोड और फिर ये सामने पीडीयूज़ वाला एरिया है। ये चनाब रोड से पहले आपको सारा सी ब्लॉक का एरिया आपको दिखाते हैं। सी ब्लॉक आलमोस्ट इसमें डेवलपमेंट का काम इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कंप्लीट है और इसमें तकरीबन आप कह लें कि इस वक्त बिजली का गैस का काम होना है। कुछ एरिया जब जस्ट इसका ये ऊपर वाली साइड पे जो आता है जिस स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम के बाद वाला पोर्शन उस पर थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया, बाकी आलमोस्ट कंप्लीट है। ये सामने क्रिकेट स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है और तकरीबन रोड भी इसके काफ़ी हद तक जो ना वो कारपेट हो गए हैं, ब्लैक टॉप कर दिए हैं। ये देखें ये किनाल रोड के साथ वाला ये जो अपर कटिंग है इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी ऊपर आपको ये 200 फिट सॉरी ये 150 फिट रोड है। ये ईस्टर्न सीबीडी है और ये हुंजा रोड है 150 फिट वाइड। ये तकरीबन थ्रू आउट डी ब्लॉक तक जो ना इसको इन्होंने इसका बना दिया है स्ट्रक्चर और ये ईस्टर्न सीबीडी से आपको सारा इसका व्यू दिखा रहे हैं। नीचे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, थोड़ा बहुत काम इस पर भी हुआ हुआ है। और ये छोटी किनाल है जो कि किनाल रोड से ये टूवर्ड्स ए ब्लॉक ए बी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की तरफ ये दोनों साइडों में इसके नहर के रोड बनेगा। ये एफ ब्लॉक की तरफ जा रहा है सारा ए बी से होता हुआ। ये आगे आप देखें ये ए और बी का एरिया है, ये दोनों साइडों पे इस छोटी नहर के दोनों साइडों पे। और सामने आगे जो वाटर टैंक नज़र आ रहा है ये डी ब्लॉक है और नीचे जो ना वो हमजा रोड 150 फिट वाइड रोड ये यहाँ तक बना हुआ है। काफ़ी काम व्यूअर्स अभी इन्होंने किया है यहाँ पे। डी ब्लॉक में कुछ पोर्शन अभी भी है जहाँ पे काम होना बाकी है, जो इसमें काफ़ी बड़ा एरिया जो ना वो ग्रीन एरिया है इसका, कुछ इसके जो ना वो कंप्लीट हैं रोड्स इसके, बाकी काफ़ी एरिया में भी इसकी कह लें कि लैंड जो ना भी इन प्रोसेस है। ए ब्लॉक में भी व्यूअर्स ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये काम इन्होंने नया किया है शुरू, ए ब्लॉक में भी प्रॉपर काम जो ना वो होता नज़र आ रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी यहाँ पे जल्दी यहाँ पे ना डेवलपमेंट का मज़ीद काम जो ना तेज़ हो जाएगा। व्यूअर्स, इसमें ये नीचे आपको नीलम रोड नज़र आ रहा है 150 फिट वाइड, इसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक कारपेट कर दिया है। और ये डी ब्लॉक का जो लोअर पोर्शन है उसमें देखें ये डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत काम जो पहले हुआ था उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन इसमें अभी कुछ पैचेस हैं जो भी इनके पास नहीं आए एलडीए के पास। ये सारा डी ब्लॉक है। व्यूअर्स, मैं थोड़ा बहुत इसमें रेट्स के हवाले से भी आपको गाइड करता चलूँ, साथ साथ आपको नीचे बताता जाऊँगा, एक्सप्लोर करता जाऊँगा कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो एफ ब्लॉक के नीचे छोटी किनाल है वहाँ से आपको सारा ऊपर का ओवरव्यू देंगे। मैं रेट्स के हवाले से आपको गाइड करता जाऊँ, ओवरऑल आपको बताऊँगा इसमें जो 5 मरला की जो मिनिमम प्राइस रेंज है, पहले जो 14 में भी अवेलेबल थे बिल्कुल बाउंड्रीज़ पर, अब ये सिनेरियो नहीं है। मिनिमम प्राइस रेंज जो ना आपको 18-19 लाख से स्टार्ट हो रही है और जो जनरल प्लॉट्स हैं वो कोई 32-33 तक हैं। फिर जो बड़े रोड्स के
और 75 फिट रोड पे आ जाते हैं, सी ब्लॉक में आ जाते हैं, वहाँ पे फिर प्राइस रेंज ना को 32-33 से स्टार्ट हो के को 50 तक जाती है। इसी तरह जो ये नीचे व्यूअर्स आपको एफ ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये एफ ब्लॉक पहले भी सारी वीडियोज़ में ऑलमोस्ट क्लियर ही था, ये अभी भी क्लियर है। और ये जे ब्लॉक नीचे और ये 200 फिट वाइड जो चनाब रोड है ये उसका ओवरव्यू दे रहे हैं व्यूअर्स। इसमें जो 10 मरला की कटिंग है, 10 मरला का जो ओवरऑल रेट्स चल रहे हैं मिनिमम को 37-38 लाख से लेके और कोई 70 तक की ब्रैकेट में इसके जनरल प्लॉट्स हैं एज़ पर ब्लॉक एज़ पर लोकेशन। सबसे ज़्यादा जो प्राइस रेंज है वो सी ब्लॉक में है, सी ब्लॉक में कोई 57-58 से लेके कोई 70 तक रेट है। ये नीलम रोड 150 फिट वाइड और ऊपर ये सारा ई ब्लॉक है। और व्यूअर्स इसमें जो एक नाल के प्लॉट्स हैं, एक नाल के प्लॉट की जो मिनिमम प्राइस रेंज है कोई 70 से लेके और कोई 95 तक आप कह लें जनरल प्लॉट्स हैं। ये अपर कटिंग है व्यूअर्स ई ब्लॉक की, इसमें भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पे पहले ग्रीन एरिया था बहुत बड़ा, लेकिन इसमें देखें अभी काम हो रहा है तो प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी। एलडीए में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है डेवलपमेंट वर्क। ये सामने खुंजराब रोड 75 फिट रोड, ये ऊपर सी ब्लॉक का जो ना वो आपको और जो चनाब रोड है 200 फिट वाइड उसका आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं। और ये कनाल रोड आ गया, यहाँ से वापस आपको व्यूअर्स एच ब्लॉक जी ब्लॉक और जे के एल के ये इन ब्लॉक्स का आपको विजिट करवाते हैं। ये सामने व्यूअर्स सी ब्लॉक से ऊपर जो पी डी ओ की जगह थी ये एक्सपेक्टेड इकबाल ब्लॉक का ई ब्लॉक है और ये ऊपर आ गया खुंजराब रोड। काफ़ी बड़ी लैंड ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे आबादी कोई नहीं है। कल को जो इनका प्लान है इकबाल सेक्टर का इसका ई ब्लॉक का, तो उसमें लैंड ऑलमोस्ट यहाँ पे कह लें को गाँव शाँव इस एरिया में कम से कम नहीं आ रहा। ये ऊपर जी ब्लॉक आ गया है और ये 75 फिट रोड जो ना आ गया है जी डिवाइडेड रोड जो कि जी और एच का, ये एच ब्लॉक है। व्यूअर्स इसमें जो कनाल के बड़े रोडों पे प्लॉट्स हैं वो कोई ऑलमोस्ट कह लें कि बड़ा भी कम जो 75 फिट रोड के जो प्लॉट्स हैं कोई एक रोड से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनवर्ड्स जो ना वो कोई 2 करोड़ तक की रेंज है। ये सामने नीलम रोड था 150 फिट वाइड जो कि जे और एच का डिवाइडेड रोड है। ये सारा आप जे का आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं व्यूअर्स। जे ब्लॉक में भी काफ़ी रोड जो ना वो कारपेटिंग इस पर भी होगी हुई है और ये इसका लोअर पोर्शन दिखा रहे हैं जे का। नीचे ये अभी आपको ग्रेवयार्ड वाला भी एरिया दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा पैच अभी इसमें बाकी है, इसकी भी लैंड इन प्रोसेस है। ये आपको ग्रेवयार्ड के ऊपर से ये ओवरव्यू दिखा रहे हैं जे ब्लॉक का। व्यूअर्स इसकी बेल्टिंग के हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूं, बेल्टिंग की डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है। एलडीए ने 5 अक्टूबर का जो ना वो उन्होंने डेट इसकी अनाउंस की है। अब देखें ये जब तक कह लें कि इनकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट में ये डेट नहीं आ जाती, होपफुली अब चेंज नहीं होगी इंशाल्लाह उम्मीद है। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि जी इसकी इकबाल सेक्टर का ये यहाँ इसका जो थर्ड बैलेट है वो उसकी कब तक जो ना वो बैलेट होगा, तो बैलेट की डेट आ गई है 5 अक्टूबर। ये व्यूअर्स जे ब्लॉक का जो अपर पोर्शन है और ऊपर नीलम ब्लॉक जो नीलम रोड 150 फिट वाइड और ऊपर एच ब्लॉक और ये 75 फिट रोड है, डिवाइडेड रोड है एच और के का, एच और एल का, ये एल ब्लॉक है ऊपर। यहाँ पे भी काफ़ी काम इन्होंने किया है। ये पिछली वीडियो में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारा ग्रीन एरिया था, लेकिन यहाँ पे भी देखें काफ़ी हद तक इसकी मैपिंग जो ना वो मुकम्मल हो गई है। कुछ थोड़ा बहुत एरिया है लेकिन उम्मीद है अगले 2-3 माह में ये एरिया भी आपको सारा क्लियर नज़र आएगा ऊपर से ड्रोन व्यू में। ये सारा एल ब्लॉक और नीचे नीलम रोड स्टार्ट हो रहा है। नीलम रोड पे भी काफ़ी इन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है, ऊपर सिर्फ कारपेटिंग बाकी है। तो व्यूअर्स इकबाल सेक्टर में जो ना वो काफ़ी बड़ा जो ना वो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आनी है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेड है कि 2 से 2.5 हज़ार के करीब फाइल्स आएंगी। तो ये थर्ड बैलेट में आप कह लें कि ये एक जनरल बैलेट होगा, उसमें कोई 1400 के करीब फाइल्स इसमें लगनी है जिना सेक्टर में, बाकी फाइल्स जो ना वो इकबाल सेक्टर में जाएंगी। ये सारा क्यू ब्लॉक है व्यूअर्स। क्यू ब्लॉक में सिर्फ अपर कटिंग में ही जो इसकी लेंस हैं 300 फीट वायर रोड के ऊपर, जेलम रोड के ऊपर, जस्ट उसी पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी क्यू ब्लॉक में भी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी रेट अब अप्रॉक्सीमेट जो आपको जो कह लें कि कोई 20-21-22 का रेट हो गया है,
सिर्फ जो बाउंड्री के प्लॉट्स हैं वो कोई 17-18 में हैं, बाकी ओवरऑल रेट्स इसके भी बेहतर हो गए हैं। मार्केट की इस वक्त सिचुएशन जो है ना प्राइसेस की काफ़ी अच्छी है, जिन लोगों ने पुराने लिए हुए थे व्यूवर्स आज से एक साल पहले, तो आज के रेट्स देखें तो लोगों को कह लेंगे काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट हो रहा है, काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छा गेन करके वो निकल भी गए हैं। ये 75 फिट रोड है व्यूवर्स, जो कि के और एल का डिवाइडेड रोड है, और ये आगे के ब्लॉक शुरू हो गया है व्यूवर्स। अब ऑलमोस्ट इनका सीवरेज का काम सारा मुकम्मल है, और अब इन्होंने ऊपर फाइनली जो ना वो कारपेटिंग का काम शुरू करना है। आने वाले कोई 4-6 माह में उम्मीद बड़ी है कि आपको बहुत सारा एरिया ना वो ब्लैक टॉप होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये व्यूवर्स सतलुज रोड है, 150 फिट वाइड रोड और मेन CBD सेंटर में, और ऊपर जो ना वो 300 फिट वाइड जेलम रोड है, और ये नीचे वो एन ब्लॉक का एरिया आप देख रहे हैं। तो व्यूवर्स बैलेटिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा था, बैलेटिंग में व्यूवर्स देखें कोई इस तरह का स्नैरियो नहीं है पैनिक होने वाला। इकबाल सेक्टर नो डाउट थोड़ा लेट डिलीवर ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ना पिछले कोई 2-2.5 साल से इसका डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है जिना सेक्टर का, तो इसमें अभी भी कोई 1 से 2 साल लग जाने हैं इसके जो ना वो काम को मुकम्मल होते होते पोजेशन आते आते। तो इकबाल सेक्टर की लोकेशन बेहतर होगी, जो लैंड इनके पास नहीं है, अगर हम कंपैरिजन करें लैंड का तो यहाँ पे KL में H में बहुत सारी जगहों पे लैंड नहीं थी जब यहाँ पे काम शुरू हुआ, अब 2-2.5 सालों में काफ़ी ज़्यादा लैंड इन्होंने एक्वायर किया है। देखें इस मैप में और स्टार्ट वाले जो काम जब इन्होंने शुरू किया था आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले अगर ड्रोन वीडियोज़ पुरानी देखें तो अभी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी यहाँ पर अब तक मुकम्मल उन्होंने कर ली है, मैपिंग कर ली है, इसकी डेवलपमेंट वर्क बड़ा अच्छा है यहाँ पर किया है, तो बड़े कम टाइम में किया है अपने रिकॉर्ड कह लें कि टाइम जो इन्होंने दिया था उसमें उस टाइम में बड़ा अच्छा काम यहाँ पे इन्होंने किया है, टाइमली कह रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 1 से 2 साल के अंदर यहाँ पे आपको पोजेशन होता नज़र आएगा। तो इकबाल सेक्टर में भी उम्मीद है, देखें उसमें टाइम तो ज़रूर लगना है 4 से 5 साल, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसमें भी जैसे काम शुरू होगा तो डेफिनेटली लोगों को उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अगर होल्डिंग कैपेसिटी किसी की 4 से 5 साल होगी वहाँ पे प्लॉट्स की इकबाल सेक्टर में, तो वो भी बहुत अच्छा पे बैक करेगा। देखें इस जिना सेक्टर के हवाले से भी लोगों के कोई बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं थे कि जी ये शायद उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकेगा, लेकिन ये मिसाल है, एक तो डेवलपमेंट वर्क उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया है, दूसरा प्राइसिस देखें तो बड़ी अच्छी अप्रिशिएट हुई हैं अभी। तो इकबाल सेक्टर में भी उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बल्कि LDA की टीम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, स्पेशली जो DG LDA हैं और फिर उनकी सारी टीम है, उनको मैं बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और पिछले दिनों बल्कि DG LDA साहब का यहाँ पे विज़िट भी हुआ है, और उसमें उन्होंने जितनी लैंड रह गई है उसमें एक्टिविटी तेज़ करने के लिए अपनी टीम को एक्टिव कर दिया है जी। तो व्यूअर्स इसमें मैक्सिमम मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन आपको फॉरवर्ड की है अभी जी। व्यूवर्स ये थी हमारी आज की ड्रोन वीडियो, बड़ी डिटेल वीडियो थी, कोशिश की है मैंने इसमें जितनी भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जो ना वो ज़रूर पहुंचे, और फर्दर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लॉट की असेसमेंट चाहिए, आपने को ख़रीदो फरोख्त करनी है, किसी भी हवाले से आपको कुछ कोई चीज़ जाननी है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मियां वकास है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333-417-716। दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए विवस, ये मेरे क्लीग हैं यासिर हनीफ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0322-422-063। विवस लाहौर रियल एस्टेट की जितनी भी वीडियोज़ आती हैं आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, बड़ी मेहनत की होती है हम लोगों ने इस पर, स्पेशली जो हमारा लाहौर रियल एस्टेट का चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम।